तो आपने ये वीडियो पर क्लिक कर लिया है तो बस हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। पर आपको वीडियो पूरा ही देखना पड़ेगा, स्किप मत करना वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो 2 मिनट का वीडियो है, एंड तक देख लेना। तो जी हाँ दोस्तों, कॉल अनाउंसमेंट। अब सभी फोन में आप लोगों को गूगल डायलर ही देखने को मिलता है और इसमें कॉल रिकॉर्ड करते ही सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि आपने उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो, जो कि हमें नहीं पसंद कि उसको पता चले। बट ये वीडियो देखने के बाद कॉल अनाउंसमेंट पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। आप बहुत आराम से उसकी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको पता तक नहीं चलेगा। तो चलो फिर बताता हूँ। मेरा नाम है यासीन, आप देख रहे हैं कूलेस टेक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी अनाउंसमेंट ऑन है, देख लो। पर दोस्तों, वीडियो के एंड में एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूँ कॉल रिकॉर्डिंग की, तो मिस मत करना। आप लोगों को जाना है अपने प्ले स्टोर पर और यहाँ पर जाके लिखना है BTS, बस। और ये आपको डाउनलोड कर लेना है, सिंपल, कुछ केबी की ही ऐप है। फिर आपको ये ऐप को ओपन करना है और सिंपल आपको यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को नीचे यहाँ पर STTS को सिलेक्ट कर लेना है, बस। अरे रुको यार, जो बाकी है। तो लास्ट स्टेप, अब आप लोगों को आपका डायलर पे जाना है और डायलर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको इसकी ऐप इन्फो पे जाना है और यहाँ पर आपको इसका पूरा डाटा क्लियर कर देना है, बस। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये कॉल करा और अब देखो। तो देख लिया, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये देखो सामने वाले बंदे के फ़ोन में बिल्कुल भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो अब बहुत ज़रूरी बात बता देता हूँ। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये ऐप सेफ है या नहीं, क्या ये हमारी कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई भी एप्लीकेशन का रिव्यू करता हूँ तो मैं उसको अच्छे से चेक करता हूँ, उसकी डिटेल, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैंने ऐसा ही केस में भी मैंने चेक किया और यहाँ पर ये एप्लीकेशन में कोई भी ऐसी परमिशन नहीं है लेता ये। जब परमिशन ही नहीं लेता तो आपके यहाँ पर कॉल रिकॉर्ड कैसे यहाँ पर ये सुन पाएगा। इसने कोई भी यहाँ पर परमिशन ली ही नहीं है तो ये कैसे यहाँ पर ये आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेगा। तो ये बिल्कुल सेफ है, इसका आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ऐसी ही ट्रिक सीखना है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, मैंने जैसे ये ट्रिक बताई, अगर आप व्हाट्सएप की भी ऐसी कुछ ट्रिक जानना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको बेस्ट वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हैं तो मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। तो या मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।